क्या यही प्यार है? सीमा आज बहुत खुश है, भले ही उम्र उसकी 55 की हो गई हो, पर वह मन से आज भी उतनी ही जवां और खुशमिजाज है जितनी 30 की उम्र में थी। राहुल के जाने के बाद वह बहुत अकेली हो गई थी, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। समय रहते अपने लेखन पाठन में खुद को व्यस्त रखती, आधा समय तो कॉलेज में ही निकल जाता, लड़के लड़कियों को पढ़ाते। पिछले कुछ महीने से वह नोटिस कर रही थी, डॉक्टर सोमेश उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे थे, हर बात में अटेंशन, उसे अच्छा भी लग रहा था, वह भी उनकी बातों में बहुत रुचि ले रही थी। शायद दोनों की रुचियां, वो भी साहित्यिक अभिरुचि, एक समान थी। दोनों घंटों एक विषय पर बात करते, आपस में किसी विषय पर बहस भी कर लेते, साथ समय गुजारना भी मन को सुकून दे रहा था। इस बार बेटा आएगा तो बात करूंगी, सोच रखा है उसने। माँ बेटे के बीच ट्रांसपेरेंसी है, सब बात एक दूसरे को बता देते हैं, पापा के नहीं रहने के बाद तो और भी ज्यादा। अमित उसका बेटा, उसका सब कुछ इस बार छुट्टियों में आया है, दोनों साथ बैठे हैं। रीमा ने उसको डॉक्टर सोमेश से मिलवाया, अमित को बहुत पसंद आए वो, एकदम सुलझे विचारों के, शादी नहीं की उन्होंने, अकेले ही है। पूछने पर बोले, कोई मिली नहीं मेरे जैसे विचारों वाली, रीमा को देखते हुए बोले। अमित ने उनके जज्बातों को उनकी आंखों में पढ़ लिया। अगली सुबह वह माँ से बोला, माँ आप अकेले रहते हो यहाँ, मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। रीमा ने पूछा, भूमिका मत बांध, तू क्या कहना चाहता है बोल। माँ आपको डॉक्टर सोमेश कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। माँ क्या आप उन्हें पसंद करती हो? बेटा तेरे पापा के जाने के बाद, माँ पापा अब नहीं है इस दुनिया में, आप दोनों की रुचि शौक सब एक जैसे हैं, इनफैक्ट वो आपको बहुत पसंद भी करते हैं। और आप भी क्या कह रहा है बेटा? माँ जीवन की सच्चाई यही है, पापा के जाने के बाद आप बहुत अकेले हो गए हो, पापा आपका बीता समय थे और अब आप वर्तमान में जियो, अपने मन को मारो मत। आई थिंक आपको डॉक्टर सोमेश से प्यार भी हो गया है, तो आगे बढ़ो माँ, उनको अपना लो, वो आपका बहुत ध्यान रखेंगे। उस रात रीमा की आंखों में नींद ना थी, पूरी रात उसके जेहन में बेटे की बातें गूंज रही थी और बार बार डॉक्टर सोमेश का चेहरा, उनकी बातें। उसका मन उससे यही पूछ रहा था, क्या यही प्यार है? वो फिक्र उनकी हर बात में, हर चिंता अपने सर ले लेना। सुबह वह एक फैसला ले चुकी थी, बेटे ने डॉक्टर सोमेश से बात की, वे तो कब से चाह रहे थे कि एक बंधन में बंध वे सब साथ रहें। बहुत ही सादे तरीके से उन्होंने इस रस्म की एक अदायगी की और शादी के अटूट बंधन में बंध गए, उनके प्यार को मंजिल मिल चुकी थी।